Union Home Minister Amit Shah on Thursday stated that since the Manipur issue is a racial violence, there cannot be any solution until there is a dialogue between the Kukis and the Métis. He said the centre has created a roadmap to solve the issue. Shah earlier said that 30 km of the fencing along the Indo-Myanmar border has also been completed and the central government has approved a budget to fence the 1,500-kilometer border. He said that the agreement between the two countries to allow movement of people has also been nullified and now entry into India is allowed only by visa. तक मणिपुर का सवाल है 100 दिन में हमने जो ये घटनाओं का मूल है भारत म्यांमार सीमा इसका फेंसिंग शुरू कर दिया है 30 किलोमीटर फेंसिंग समाप्त हो चुका है और पूरी 1500 किलोमीटर से ज्यादा जो सीमा है इसको फेंसिंग करने का बजट भारत सरकार ने अप्रूव कर दिया है एक नंबर दो हमने वहां पर स्ट्रेटेजिक जगहों पर सीआरपीएफ को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का कार्यक्रम भी समाप्त कर दिया है नंबर तीन हमने जो घुसपैठ होती थी उसको रोकने के लिए म्यांमार और भारत के बीच में जो आवाजाही का एक समझौता था उसको भारत की ओर से रद्द कर सिर्फ वीजा के बेस पर ही आ जा सकेंगे ये कानून भी लाए हैं नंबर चार कई सारे सुरक्षा लैप्सिस थे मतलब छिद्र थे इतनी बड़ी सीमा पर उसको पूरा करने का काम भी किया गया है अभी हाल ही के दिन में दो घटनाएं तीन दिन तक हिंसक घटनाएं हुई इसको छोड़कर विगत तीन महीनों में कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई थी अब मणिपुर में अभी भी तीन दिन से शांति है मुझे आशा है कि हम इस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल ले पाएंगे स्थानीय दोनों जातियों से हमारा संवाद भी है क्योंकि नस्लीय हिंसा है जब तक संवाद होकर दोनों के बीच में समाधान नहीं होता कोई परिणाम नहीं निकल सकता हम कुकी ग्रुप्स के भी चर्चा कर रहे हैं और मतई ग्रुप से भी चर्चा कर रहे हैं और आने वाले दिनों में लगभग सभी प्रकार के प्रयास करने के लिए हमने हमारा रोड मैप बनाया है